5 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जहां चीनी सैनिकों के हमले से भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। शहीद सैनिकों की मौत के कारण देश भर के लोगों में आक्रोश है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बड़वा इकाई ने भी चीन का पुतला दहन किया है। नगर के मुख्य चौराहे पर एकत्रित कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयघोष के साथ चीन का पुतला फूंक कर आक्रोश प्रकट किया। इसमें विश्व हिंदू परिषद के रितेश कौशल, बड़वा बजरंग दल नगर अध्यक्ष नीलेश सोनी और बड़ी तादाद में संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रितेश कौशल। आज जो पुतला दहन किया है, किस विषय पे किया? पुतला दहन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सभी जिले स्तर पर किया गया है। चीन के विरोध में, चीन ने जिस प्रकार से जवानों पर अत्याचार किया और प्रहार किया, उसका विरोध करते हुए और चीनी सामान का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा चीनी सामान का विरोध किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।